इसराइल से खबर शामिल करते हैं। गजा से 6 इसराइली यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद अवामी गम और गुस्से पर वजीर आजम नेतन्याहू घबराहट का शिकार हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने यरगमालियों को गजा से जिंदा वापस न लाने पर अवाम से माफी मांग ली है। पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा है की यरगमालियों को जिंदा वापस न लाने के लिए माफी का तलबगार हूँ। हम इनके बहुत करीब थे लेकिन हम कामयाब न हो सके। हमास को यरगमालियों की हलाकत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वाजे रहे के हफ्ते को गजा से 6 इसराइली यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मजारे किए गए। तलब अबीब और मकबूजा बैतुल मुकद्दस में हजारों अफराद हुकूमत मुखालफ एहतजाजी मजारे में शरीक हुए।